नमस्कार साथियों, ये मेरे साथी और हम आज घूमने जा रहे हैं जयपुर। वर्कशॉप के तीसरे दिन एक जाएंगे हम राज मंदिर और फिर आसपास इस जगह और घूमेंगे। ये बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत बदमाश है। हाय, अब यू अटिलो सीन भी लो ना, पिछला सीन बताएं। अब ये सब पागल है, ये सब बड़े बड़े पागल, तो अब पागल हो जाएगी। ये जयपुर की रोड, जयपुर रोड मेट्रो स्टेशन जाते हुए वेग विहार। ये अभी मैं वेग विहार मेट्रो स्टेशन आ गया हूँ। यहाँ से हम जाएंगे छोटी चौपड़, उसके बाद जाएंगे राज मंदिर सिनेमा। उससे पहले मूड है हमारा घूमने का भी। ये मेट्रो स्टेशन, ये टिकट लेते हुए चौपड़ का टिकट लेंगे हम। ये टिकट ले लिया हमने, मेट्रो स्टेशन आ गए हैं और हम जाएंगे छोटी चौपड़। आप कुछ बोलना चाहो कहो, कुछ कहना चाहोगे? नहीं समझे। ये अभी जा रहे हैं लिफ्ट से ऊपर मेट्रो स्टेशन। लिफ्ट रुक गई हमारी, मेट्रो आ जाए शायद। मेट्रो जा रही है उधर। मेट्रो स्टेशन, मेट्रो के अंदर से भी साथी जाते हुए सीट मिल चुकी है हमें, सीट के बैठ गए। इतनी देर पहले खड़े थे हम, अब बैठने का आनंद लेते हुए दुख पा रहे हैं। वो आना चाहते थे साथी लोग, पूरे मजाकिया मोड के अंदर। छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं हम, अब जाते हैं आगे। ये छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन का व्यू आपको दिखाता हूँ मैं, ये दिखाता हूँ मैं। ये यहाँ पे बहुत सारे ऑटो रिक्शा हैं, ये मेरे साथी हैं, बहुत सारे ऑटो रिक्शा हैं यहाँ पे। अब हम जाते हैं आगे। ये छोटी चौपड़ का बाजार, हाँ इसर लाट होना चाहिए सही। हाँ ये इसर लाट है। हाँ ये पूरी गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, ओल्ड जयपुर, ये पूरा गुलाबी रंग से रंगा हुआ है। छोटी चौपड़ का मार्केट, ये मेरे साथी सिटी। कुछ कहना चाहो, अपना एक्सपीरियंस बताओ। बहुत ही अच्छा है जयपुर, गुलाबी सिटी में घूमने के बाद। और ये हमारा अरविंद जी है, बहुत ही अनुभवी आदमी है, धन्यवाद हमारे को घुमा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जैसे दोस्तों के साथ इसलिए तब मजा आता है। तो ये जयपुर का बाजार, छोटी चौपड़ का ओल्ड जयपुर सिटी। ये इसरलाट, यहाँ से महाराजा स्वाई ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या की थी। ये इसरलाट वही है, बताओ आपने चिक्के में, ओल्ड जयपुर। ये इसरलाट जहाँ स्वाई ईश्वरी सिंह ने बनवाया था इसको, और वहीं उन्होंने इससे खुद की आत्महत्या कर ली थी। इसरलाट या सरगासूल जिसे हम बोलते हैं। ये देखिए छोटी चौपड़ बाजार के पास ही है, ये मार्केट है पूरा। ये मेरे साथी हैं। इसरलाट देखने जाते हुए रास्ता है, इसरलाट सरगासूली देखने का ये गेट बना हुआ है। यहाँ से हम जाते हुए साथी, ये गेट है। ऑटो रिक्शा चलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक। ये पार्किंग सुविधा, कार पार्किंग वगैरह। ये इसरलाट आगे आगे आप जो है ना, जो भी डाल रहे हो उसको हमारे को मेंशन कर देना। बिल्कुल, ये हमारे साथी इनको मेंशन करेंगे। इसरलाट पहुंच चुके हैं हम। ये आप पट्टिका लिख रही है इसरलाट के बारे में, लिख रखा है कि स्वाई जयपुर नगर के निर्माता महाराज स्वाई जय सिंह द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र, स्वाई ईश्वरी सिंह एवं द्वितीय पुत्र स्वाई माधु सिंह प्रथम के बीच युद्ध हुआ था, जिसके विजय के उपलक्ष्य में स्वाई ईश्वरी सिंह ने इसका निर्माण करा, जिसे इसरलाट या सरगासूली भी कहते हैं। आप और पढ़ लेना इसके बारे में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये लिखा हुआ है। अब हम इसके अंदर जाते हैं। अंदर प्रवेश करते हुए साथी, कुछ छोटे छोटे रास्ते बताइए सर। ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। देखो यहाँ पे कोई बुजुर्ग आदमी से चढ़ने के लिए भी यहाँ व्यवस्था कर रही है। अभी वर्तमान में नहीं, इन्होंने पहले नहीं थी, ये नहीं लग रही है। यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था भी कर रही है। देखो अंडर पार्किंग लाइटिंग, देखते हैं बंद कितने बजे होता है। ये व्यवस्था करके खुला वातावरण आ गया। बिल्कुल इसरलाट, ये इसरलाट टिकट विंडो से टिकट कटाते हुए 25 रुपए पर पर्सन टिकट है, 100 रुपए के चरों के है हमारे। ये यहाँ का नाइस व्यू है, देखिए शानदार व्यू है इसरलाट या सरगासूली का। ये घूमने नहीं हुए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, नाइस व्यू। टिकट ले रहे हैं साथी, ये टिकट है हमारा। ये एंट्री हाँ, ये अंदर जाते हुए देखो बिल्कुल छोटे छोटे रास्ते हैं, बिल्कुल छोटा सा रास्ता। पप्पू जी बताइए, पूरा एक टाइम पे देखो पहले सीधे नहीं बनाते थे, इसलिए ये देखो रैंप बना देंगे चढ़ने के लिए, और नहीं फिसलने के लिए यहाँ पे रैंप पे कुछ ऐसी बाधाएं रख रखी जिससे अपन आराम से चढ़ सके।
उदयपुर मजा आ रहा है। जैसे हम चित्तौड़ के किले गए विजय स्तंभ पर चढ़ते हैं, उसी तरह इसमें भी चढ़ सकते हैं आराम से। हालांकि विजय स्तंभ कभी चढ़े नहीं अपन। हाँ मैं जगह आया हूँ वहाँ पे, मेरा बहुत अच्छा अनुभव है, दो तीन बार जगह है उसके अंदर। मेरा बात तो बंद हो गया। देखो यहाँ पे ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ऐसे नाम लिखना अच्छी बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर को ऐसे खराब करना अच्छी बात नहीं है। मैं राष्ट्रीय धरोहर है, ये बात से भी दिखता है इसके अंदर। ये पानी बोतलें लगी थी लोगों ने यहाँ पे, क्या अच्छा आनंद आ रहा है। तो राजा महाराजा इसमें चढ़ते थे पहले, क्या सीन था, बहुत ही सर लाट या सर का सुली। ये देखो अंधेरा, अब अंधेरा आ गया, हम आगे हम जा रहे हैं। यहाँ पे अंधेरा आ गया, ध्यान से चढ़िए। फिसलन भी है, आनंद भी है, रोमांच भी है, साथियों का साथ भी है। ये गलत चीज है, ऐसे कचरा बिलाना अच्छी बात नहीं है। राष्ट्रीय धरोहर हमारी, ये कितने मंजिल है बाबू जी, इस बारे में बताइए। ये तो आगे चलते आगे बताते पूरा इसके बारे में। चलिए बताइए, झंडे में सांस भूल रही है लेकिन आनंद भी आ रहा, थकान है तो आनंद भी है। अभी तक हम पहुंच नहीं पाए, इतना लंबा समय हो गया। हमारे सुनील जी आगे चले गए, कहीं घूमते नहीं गए। सुनील जी बहुत आगे चल रहे हैं, ये हमारे सर के साथ में। सर बताइए अपने बारे में। मैं मानगढ़ से आया हूँ पहली बार भाई साहब के साथ। हम तो थक गए वास्तव में, कोई बात नहीं, ये मतलब ये कह रहे खत्म ही नहीं हो रहा। हमारे साथी सर है, ये साथी अध्यापक खत्म होने का नाम ले दे रहा है। बहुत ऊपर है ये, पर ऐसे नाम लिखना अच्छी बात नहीं है। नाम लिख के लोगों ने ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे दिल वाले नाम बनाए अपना, अपना दिल अपने पास रखे, यहाँ पे नाम बनाए सुरक्षित रखे, इधर उधर नाम लिखे उसको अच्छी बात नहीं लगती। ये हमारा राष्ट्रीय धरोहर है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। जिसको बोलते हैं ना उसके पास होता है, क्योंकि विदेशी पर्यटक आते हैं फिर वो क्या सीखेंगे, और इनसे हमारे देश को हमारे राज्य को बहुत फायदा मिलता है। पर्यटक हमने टिकट कटाया, राष्ट्रीय और राज्य इनकम का फायदा भी होगा। 100 रुपए चारों के थे हमारे टिकट के प्राइस, क्योंकि मैं स्टूडेंट है, वास्तव में स्टूडेंट है इग्नू के, इसलिए अभी आ गए फाइनली। ये सीढ़ी आ गई, देखिए नई फैशन की हमारी तरह की। और ये जयपुर का व्यू देखिए, कोई गिर ना जाए इसलिए बना रखा है इधर। ये व्यू देखिए जयपुर का, क्या सीन है, क्या दृश्य है, वास्तव में काबिले तारीफ। ये लग रहा है जयपुर, यहाँ से स्वाई ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने इसका निर्माण करवाया था लेकिन तंग होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, मराठों से तंग होकर। मराठों से आक्रमण से तंग होकर अपने भाई से। ये किला दिख रहा सामने, कौन सा किला बताइए आप, नारगढ़ किला। यहाँ भी हम जाएंगे, इसका वीडियो जल्दी बनाएंगे। यहाँ से पूरा जयपुर दिखता है, इसलिए यहाँ से व्यू कौन कौन सा आ रहा है सर बताइए। पीछे नारायण किला आपको दिख रहा है, आगे व्यू देखिए, वो देखिए सामने सामने दिख रहा हवा महल। ये है हवा महल का बैक साइड है, वो उधर साइड जो फ्रंट है उधर है हवा महल है। और साइड है वो आगे कौन सा सीन है, ये जस्ट इधर ये कौन सी बिल्डिंग आगे, ये वाला ये जंतर मंतर कहलाता है, जो जंतर मंतर है सुवेजय सिंह ने बनवाया था, सबसे बड़ा जंतर मंतर है भारत का है। और ये देखो स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल ही जो मार्ग बने वो स्ट्रेट बने हुए सीधे के सीधे समकोण पर। ट्रैफिक आप देख सकते हो गजब है, बहुत खतरनाक व्यू है, शानदार व्यू है। यहाँ पर देखो ये पुरानी जो उसी टाइम पे बनी हुई बिल्डिंग है, उस समय ये इमारतें सभी ये गजब लग रहा है। यहाँ से फॉरेनर्स काफी आ रहे हैं यहाँ पे विदेशों से, ये मार्केट है पूरा। हम आगे जाएंगे और यहाँ घूम लिए, पूरा जयपुर का व्यू दिख रहा है यहाँ से। ये फॉरेनर काफी आ गए यहाँ पे हमारे विदेशी पर्यटक, मजा आ रहा है देखने लायक जगह वास्तव में, सभी को मजा आ रहा है। एक बार बोलिए सभी, पप्पू जी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आए थे रास्ता है छोटे चौपड़ का, मेट्रो स्टेशन यहाँ पे था, यहाँ से हम चल के आए थे वापस नीचे जाते हुए। आनंद आ गया वास्तव में, जयपुर का पूरा व्यू देख लिया। अपने ऐसा भी जाते हुए ये फिसले नहीं, इनके तरह पूरी तरह ये फिसल रहे, देखो ऐसा आप ना करें, कहीं संभव नहीं होगा, कहीं लगना चाहिए आपके। बाकी व्यू बाहर से दिखता रहता है, इस लाट या सरगा सुली जयपुर अभिजय स्तंभ इसे हम बोल सकते हैं, इसे कहते हैं जयपुर अभिजय स्तंभ। बहुत सारे फॉरनर आए यहाँ पे, ये हम देखिए आगे इस लाट या सरगा सुली, जो हमारा प्लान था नहीं लेकिन बीच में दिखी बिल्डिंग हमको, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारा। पप्पू जी सर ने, सुनील जी सर ने, हमारे साहब ने, सबने कहा कि अपन देख के चले, मेरे कहा देख के चले, तो ऐसे बहुत बार अनुभव मिल जाते हैं। एकदम से देखने का कोई प्लान था नहीं, प्री प्लान नहीं था, लेकिन फिर हमारा संजोग था, और जो संजोग होता वो भी जाता है। हम आ चुके हैं, कुल मिला के आनंद आ गया। अब हम जाएंगे आगे सिटी पैलेस, निकलेंगे गेट से आगे निकलते सिटी पैलेस है।
चंद्र मंदिर। अब हम जा रहे हैं, अब पहले कौन सी लोकेशन देते हमें पता नहीं है, पहले है जंतर मंदिर वाली लोकेशन है, जस्ट आने वाली है, जैसे 200-250 मीटर ही है, चलो यहाँ पे थोड़ा चल के आ जाएगा। तो हमारे भैया टिकट वाले भैया ने बताया कि जंतर मंदिर पास पड़ेगा, तो पहले हम वहाँ देखते हैं, फिर उसके बाद और आगे देखते हैं और आपको बताएंगे हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। कि व्लॉग बहुत शानदार हो रहा है, यादगार हो रहा है, मजा आ रहा है कुल मिला के। सुनील जी कुछ कहना चाहो? सुनील जी नहीं पास में ही है, पैदल पैदल जा रहे हैं हम, कह रहे हैं 200-250 मीटर है, और सर को हम भूख भी लग रही है, तो हम नाश्ता वगैरह भी करेंगे, जंतर मंतर जाने के बाद फिर बनाएंगे। ये जंतर मंतर का मुख्य गेट, यहाँ से हम एंट्री करेंगे, ये वाला सीन है, इधर से हम आए थे साथियों के साथ, इधर हम एंट्री कर चुके हैं। ये जंतर मंतर का और एक दरवाजा, इसके अंदर हम जाते हैं। यह मंदिर है श्री ब्रज निधि मंदिर, देर का है पुनार का, यहाँ पे ये सीन है, काफी अच्छा सीन है, सभी साथियों के साथ काफी शानदार सीन है। ये श्री ब्रज निधि मंदिर के अंदर, ये मंदिर परिसर के अंदर कोई प्रोग्राम लगना, कोई कार्यक्रम लगना है, दर्शन अभी हो नहीं पाए, बट बंद थे अभी, काफी सारे कोई कार्यक्रम था यहाँ पे लग रहा था ऐसा। ये आगे हम, ये लिखा हुआ है, काफी शानदार व्यू है यहाँ का, शानदार नजारा, एक नंबर व्यू है। ये सभी साथी पीछे से हमारे मंदिर से, मंदिर में दर्शन नहीं हुए पट बंद थे इसलिए, ये लग रहा है मुझे फ्रंट व्यू गेट, ये लगना चाहिए, देखते हैं ये या दूसरा, ये होना चाहिए। इस गेट से एंट्री नहीं दी हमें, आगे वाला गेट है, कह रहे 6 बजे तो खुला रहेगा, तो देखते हैं क्या होता है आगे। ये पास में, ये कौन सी जगह पप्पू जी? ये इधर जंतर मंतर है और ये सिटी प्लेस है, ये सिटी प्लेस है और ये जंतर मंतर दोनों पास में है। पप्पू जी और बताइए कुछ, बहुत मजा आ रहा है, बताने का कुछ है ही नहीं, मजा आप बताइए, बहुत अच्छा लग रहा है, नाइस फीलिंग, बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। ये आ गए हम, ये जंतर मंतर, बाहर होर्डिंग लगी हुई है जंतर मंतर, हाँ जंतर मंतर है यही है, तो पहले जंतर मंतर चले अपन, तो पहले जंतर मंतर देते पप्पू जी ख्वाहिश पे, ये कह रहे हैं तो यहाँ से एंट्री लेते हैं, टिकट कटवाते हैं पहले, आगे से एंट्री आगे से है, वो भैया बता रहे थे, कोई बात नहीं, यहाँ से एंट्री होगी, काफी सारी पब्लिक, काफी भीड़ है एंट्री के लिए जंतर मंतर, टिकट विंडो के लिए बहुत सारी भीड़ है। पप्पू जी क्या कहना चाहोगे, क्या करें, देखे नहीं देखे? देखो यहाँ पे देखने का मूड पूरा हो रहा है, पर अब कह रहे क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे को मूवी भी देखनी है, अभी आई हुई है मूवी, बहुत गजब मूवी आई हुई है, आपको पता होगा, राज मंदिर जाएंगे मूवी देखने के लिए भूल भुलैया 3, इससे पहले हमने कंगवा देखी थी आईनॉक्स के, हमारे सर है, हमारे छात्र का बहुत खुश है, और आज हम इनको देख के भी बहुत खुश है, बहुत अच्छे सर है, इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। तो सर क्या करें, क्या देखें, बताओ आप, पहले सिटी प्लेस देखते, वहाँ टिकट विंडो में नंबर आता नहीं आता, यहाँ तो काफी भीड़ है, नंबर आएगा नहीं, बंद हो जाएगा तब तक, अपने एक काम करेंगे, इसके लिए अपन अलग से आएंगे और उस दिन अपन अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से देखेंगे। सिटी पैलेस जयपुर का महाराजा मानसिंह स्वाई मानसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया सिटी पैलेस, टिकट विंडो इसकी भी काफी लंबी लग रही है, देखते क्या होता, नंबर आता नहीं आता। जो अपना अंतिम राजा था यार, जयपुर महाराजा लास्ट राजा था, महाराजा मानसिंह उनके द्वारा निर्माण करवाया गया है सिटी पैलेस का, और ये बहुत ही अच्छा है, अंदर बहुत अच्छे अच्छे शास्त्रागार है और अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई है, अभी हमारे को टिकट मिल जाएगा तो आपको भी बताएंगे, चलो टिकट लगता है। अब हम देखते हैं टिकट हमारी किस्मत में है या नहीं, आज देखना लिखा हुआ आज देखेंगे, वरना फिर हम राज मंदिर जाएंगे, फिर अगले दिन कहीं इसी दिन और वापस हम आएंगे, देखते क्या होता है। भीड़ काफी लंबी लगी हुई है, ये आप देख सकते हो, जंतर मंदिर की तुलना में भीड़ थोड़ी कम है, तो टिकट मिल सकता है, अभी टिकट के लिए बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, इसलिए आज हम नहीं देख पाएंगे, इसका प्लान अपन कल रखने की सोचेंगे, अभी हम जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए राज मंदिर, क्योंकि 5 बजने में आगे लगभग 6 बजे बंद हो जाएगा, तो 1 घंटे में देख भी नहीं पाएंगे हम, इसके लिए हम कल या परसों वापस आएंगे, ये सीन है और अगले वीडियो में दिखाएंगे। हाय दोस्तों, अभी हम यहाँ जंतर मंतर देखना है, पर यहाँ पे देख नहीं पाए क्योंकि फॉरेनर बहुत ज्यादा आए हुए हैं, पर हम तो राजस्थानी है, कभी भी आके देख सकते हैं, उनको मौका दिया जाए पहले, और भी सिटी प्लेस में गए वापस बहुत ज्यादा फॉरेनर थे, अभी हम जा रहे हैं राज मंदिर फिल्म देखने के लिए, आपको वहाँ का भी व्यू बताएंगे, और ये देखो दोनों तरफ से बहुत गजब बना रखा है, सिटी प्लेस है और ये जंतर मंतर का दूसरा गेट है, कितनी भीड़ देख लीजिए आप, क्योंकि शनिवार भी आज इसलिए हो सकता है इसलिए भीड़ है, हम अगले दिन आएंगे कल या परसों वापस प्लान बनाएंगे यहाँ का, और तब उस व्लॉग के अंदर देखेंगे। आप दिन का स्ट्रक्चर देखो कितना गजब बना रखा है, उस टाइम पे इंजीनियरिंग क्या टाइप की इंजीनियरिंग, वास्तव में जयपुर घूमने लायक जगह है, अगर आओ और घूमो नहीं तो कोई मतलब नहीं, तो हमारी वर्कशॉप भी हो रही है और घूमना भी हो रहा है, क्योंकि अरविंद जी का एक ही वाक्य है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मेरा यही स्लोगन रहता है, जो आज है जो भी है, ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, श्री आनंद कृष्ण बिहारी जी मंदिर है यहाँ पर, ये मंदिर है, ये अलग गेट है, इसका नो एंट्री दे लिख रखा है, यहाँ पे आम रास्ता नहीं है, उनका जो स्क्वायर में नो स्क्वायर में बता हुआ है, ये तीसरा स्क्वायर है यहाँ पर, अपना सिटी प्लेस ये सारे ही है यहाँ पर, ये तीसरा स्क्वायर है ना, आप आओ जब देख लेना यहाँ पे कभी,
पुराना आर्किटेक्चर, इसलिए रोड छोटे यहाँ पे। आए इधर से थे अपन, ओसर लाट देखे ये वाला रास्ता आ गया ऑफिस, ऐसे बनाए थे। ई रिक्शा हमने कर लिया, अब सीधा हम राजमंदिर सिनेमा जाएंगे, क्योंकि वो भी काफी बड़ा है, वो आपको दिखाएंगे पूरा। वो अपना पुराना सिनेमा है, बहुत गजब सिनेमा है, एशिया का तीसरा सबसे बड़ा सिनेमा हॉल कहा जाता है राजमंदिर को। यहाँ पे बहुत सारे एक्टर भी आए हुए हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार आते हैं, मजा आता है। राजमंदिर सिनेमा पहुंच चुके हैं, जयपुर का सबसे पुराना थिएटर लगी हुई यहाँ पे भूल भुलैया 3 जो हम देखेंगे। हम अभी राजमंदिर बता रहे हैं, और अभी हम थोड़ा बहुत नाश्ता कर ले तो अच्छा रहेगा, फिल्म देखने का मजा आएगा। जो अंदर महंगाई बहुत है, महंगी से नहीं डर रहे, पर थोड़ा मजा आएगा फिल्म देखने का, थोड़ा आंखों भी गिरेंगे तो भी मजा आएगा। हाँ, एनर्जी रहेगी शरीर में। राजमंदिर अंदर का व्यू अभी बताएंगे बाद में, पहले टिकट कटवा लें अब, फिर घूमने प्लान रहेगा। राजमंदिर पहुंच चुके हैं और अभी हम टिकट कटाने के लिए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का अंदर से, आपको बताएंगे अभी। अभी टिकट के लिए यहाँ हमारे महावीर सर आ गए, और इधर सुनील जी सर है, यहाँ टिकट विंडो है, टिकट कटवाते हैं। टिकट कटाया है और वो टिकट भी ऑनलाइन कटाया है, क्योंकि अपन पेपर की बर्बादी नहीं करना चाह रहे हैं, और देश के साथ में चलना चाह रहे हैं, पेपरलेस टिकट कटवाया है। तो अभी हम अंदर जाएंगे, प्रत्येक टिकट पर्सन है 250 रूपए, 4 है तो 4 हो गए 1000 रूपए। टिकट कटवा लिया, अब थोड़ा नाश्ता पानी कर लें, फिर अपन अंदर की एंट्री आपको दिखाते हैं राजमंदिर सिनेमा की। फाइनली नाश्ता करने के बाद अब हम एंट्री करने जा रहे हैं। ये है राजमंदिर का सीन, यहाँ से देखो पूरा, ये देखो पूरा सीन है राजमंदिर, जयपुर का सबसे पुराना सिनेमा हॉल, सबसे बड़ा पर्दा पूरे राजस्थान का। वाकई में नाम के अनुसार ही ये सिनेमा थिएटर है, और इसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए, डॉल्बी एटमॉस वगैरह, और अंदर मॉल की तरह से सजा रखा, तो हम देखते हैं अंदर का सीन कैसा रहता है, अब हम टिकट चेक करवाते हैं यहाँ पे। ये एंट्री अभी एंट्री 6 बजे करेंगे, ये बाहर पोस्टर लगे हुए हैं, इधर सिंघम अगेन का लगा अजय देवगन का फोटो देखिए, ये सिंघम अगेन अजय देवगन का, और उधर वो कार्तिक आर्यन का भूल भुलैया 3 जो हम देखना है, ये कार्तिक आर्यन का भूल भुलैया। ये रेस्टोरेंट ही तरह पूरा सजा रखा है, यहाँ पे व्यू कुछ इस तरह से, राजमंदिर का पूरा स्टेटस में लगा फोटोग्राफी। अरे आज मम्मी आप फैमिली फोटो नहीं खिंचा ली, शानदार व्यू। यहाँ पे हम बैठे हैं और पूरी फीलिंग आ रही है, रॉयल पैलेस की तरह फीलिंग आ रही है, थोड़ा दिखाइए घुमाइए कैमरे को पूरा, जैसे राजा महाराजा तो हम सबको ऐसे फील हो रहा है कि जयपुर के राजपुर वाले खानदान से हमेशा लग रहा है। वास्तव में राजमंदिर राजमंदिर है, आपको आना चाहिए वास्तव में, क्या है यार, चीज़ है वाकई। और ये हमारे मित्र कैसा लग रहा है आपको, मुझे शानदार शानदार व्यू है। राजमंदिर सिनेमा, जयपुर का सबसे बड़ा सिनेमा, एशिया का तीसरा सबसे बड़ा सिनेमा हॉल यही का है। अब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर भी बना रखा है इन्होंने, ये घूमने लायक। यहाँ पे ये क्या लिख रखा है देखना, ये देखिए सिनेदेव, ये सिनेदेव लाए थे अपने गदर 2 के लिए, 500 करोड़ क्लब शामिल हुई थी, देखिए ये सिनेदेव लाए थे, ये फोटो डाल रखे यहाँ पे, ये देखिए बहुत सारा रिकॉर्ड है, ये अमिताभ बच्चन का फोटो है यहाँ पे, ये अमिताभ बच्चन आए थे, इसको मिला है 10th ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एंजॉयबल मूवीज थिएटर, देखो पूरे विश्व के अंदर नाम आता है इसका। ये देखिए नीचे सिल्वर जुबली इसकी हुई थी, ये क्या नाम इसका, चरणों की सौगंध, चरणों की सौगंध उसकी दिए थे मिथुन चक्रवर्ती की, चरणों की सौगंध वही है मिथुन चक्रवर्ती में देखी थी। ये बेटा मूवी थी अनिल कपूर की, इसकी 50 गोल्डन जुबली लिख रखी है,
ये अमिताभ बच्चन, ये फोटो लगा हुआ इनका, ये आए थे, ये राज सेठ जी, राज सिंह है, ये सेठ जी है। ये ट्रॉफी किसकी है? ये चरस, चरस मूवी पहली लगी थी यहाँ पे, जिसने 100 दिन पूरे किए थे। चरस, चरस मूवी बहुत पुरानी मूवी थी, हालांकि मैंने नहीं देखी। ये WM नाम जोशी, द मैन बिहाइंड इंडियन सिनेमा डेट लुक्स विद लाइक आइसक्रीम। आइसक्रीम तरह लग रहा है, ये फोटो दिख रखा है इसका। ये प्रतिघात मूवी के लिए लिख रखा है, उषा किरण मूवीज, राजश्री वितरण की मूवी थी ये। रजत जयंती सिल्वर जुबली थी इसकी भी, ये सीन है। अब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर पप्पू जी चलिए ऊपर चलिए। ये हम ऊपर जा रहे हैं, काफी अच्छा व्यू है। देखो यहाँ से आप देखो राजा महाराजा चल रहे, ये देखिए पूरा क्या डिजाइन में रखी है, मतलब डेकोरेट बहुत अच्छा करता है इसको। ये क्या चीज है यार, फील है, फील वास्तव में फील लग रहा है, ये फीलिंग है। आप देखो ये क्या चौक बना ऊपर, रेस्टोरेंट बना रखा पूरा शानदार है। इंटरव्यूस में नहीं आएंगे, क्या चीज है, काबिले तारीफ है। फोटोज का बहुत सारे फोटोज हमने क्लिक किए हैं, यहाँ भी करेंगे और काफी अच्छा व्यूज है। पप्पू जी क्या कहना चाहोगे? देखो मेरे को यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि आज मैंने तो जन्नत प्राप्त कर। क्या थिएटर है वास्तव में, काबिले तारीफ, क्या व्यू है यहाँ का। जयपुर का सबसे बेस्ट थिएटर है राज मंदिर, ये हमारे दोस्त चर्चा करते हुए, मैं भी इनके साथ प्लान सिखाते हुए, मैं प्लान बता रहे हैं ये HDFC बैंक के। शानदार इंटीरियर और हमारे साथी मूवी देखने का टाइम हो गया, अब 6:30 बज चुके हैं, जा रहे हैं हम। सुनील जी कुछ कह रहे, कौन सही आप? नहीं, 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 मैं ये वैसे बहुत बोलते हैं, आज कुछ नहीं बोल रहे। और कैसा लग रहा है सर आपको? आप तो नाइस फीलिंग, आज तो मजा आया। हनुमानगढ़ के सर हमारे साथ बीएड कर रहे हैं, ये इनकी फीलिंग है एकदम जोरदार। क्या बना रखा है, शानदार थिएटर है। अभी एंट्री यहाँ से स्टार्ट होगी, पहले चलेंगे। ये थिएटर के अंदर हम आ चुके हैं, वो शानदार व्यू है, सबसे बड़ा पर्दा राजस्थान का, राज मंदिर सिनेमा। हमारा W के अंदर आगे हैं, ये मूवी स्टार्ट हो चुकी है, भूल भुलैया 3 हम देखने आए हैं। फिल्म स्टार्ट हो चुकी है, ये बैठ गए, अब मूवी देखते हैं, बाय। इंटरवल हो चुका है और पर्दा गिर रहा है, अब पुराने जमाने के अंदाज से, राजशाही अंदाज से ये पर्दा गिरते हुए। राजस्थान का सबसे बड़ा पर्दा राज मंदिर सिनेमा जयपुर, मूवी का फील अलग ही आ रहा है। यहाँ पे लोग कह रहे थे मूवी अच्छी नहीं है, लेकिन हमें तो बहुत अच्छी लग रही है, इंटरवल तक तो कोई कमी हमें ज्यादा लगी नहीं इसमें। आप कैसे लगी इंटरवल तक मूवी, बताइए? बहुत शानदार, बहुत कैसे लगी? पप्पू जी कैसी लगी मूवी? वेरी वेरी नाइस, फैंटास्टिक। इंटरवल हो चुका है, चलते हैं। मूवी समाप्त और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा हमारा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हाय दोस्तों, आज का ये पर्दा गिर गया है, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा हमारा राज मंदिर सिनेमा का, मजा आ गया, बहुत ही शानदार मजा आ गया। लाइफ में इतनी बार मूवीज देखी, लेकिन राज मंदिर सिनेमा का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा। आप कैसा रहा पप्पू जी? बहुत गजब रहा, मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा। और हमारे दो दोस्त कहाँ गए, उन्हें ढूंढते हैं। चलो इसी के साथ हमारा व्लॉग खत्म होता है, थैंक यू, बाय।